जय श्री श्याम। मैं अरविंद आप सबका स्वागत करता हूं एस्ट्रो हेमंत पर। यहां हम सीखने जुड़े हैं लाल किताब। आज एक क्लास स्टार्ट होने जा रही है जो कि 3 दिन की क्लास होगी, जो कि होगी लाल किताब बेसिक टू एडवांस। मैं आप सबका स्वागत करता हूं एस्ट्रो हेमंत पर। एस्ट्रो हेमंत जी के बारे में मैं कुछ आपसे शेयर करना चाहूंगा। एस्ट्रो हेमंत जी जो है उनको 13 साल से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है। 1 लाख से ज़्यादा लोगों को वो अभी तक अपना ज्ञान दे चुके हैं और 95% तक सक्सेस रेट उनका हमें आज तक हुआ है। लाल किताब को वो 13 साल से भी ज़्यादा समय से यूज़ कर रहे हैं और लोगों के रिलेशनशिप इशू, पर्सनल प्रॉब्लम्स को, फाइनेंशियल इशूज़ को, जॉब्स को, फैमिली इशूज़ को और वास्तु से रिलेटेड प्रॉब्लम्स के साथ ही साथ चाइल्ड बर्थ इशू को भी वो आज तक लाल किताब के द्वारा उनकी समस्याओं का समाधान करते हुए आज आज तक यहाँ पे उनको इतना एक्सपीरियंस है कि आज यहाँ पे हम आपसे जुड़े हैं। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। मैं स्वागत करता हूँ एस्ट्रो हेमंत जी का। नमस्कार, सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका अपना दोस्त एस्ट्रो हेमंत और आज हम जुड़े हैं यहाँ पर लाल किताब सीखने के लिए। वैसे तो लगभग चीजें आप मेरे बारे में जान चुके हैं, वो सब कुछ जानने के बाद भी मैं अपने बारे में आप लोगों को बताना चाहूंगा। आज यहाँ आप आए हैं तो आपका पर्पस क्या है? मैं आपको मतलब सुन तो नहीं पाऊंगा, अभी सुनने का टाइम आएगा तो आप सब लोगों को सुनेंगे भी, पर जो लोग भी हैं कुछ भी जानना चाहते हैं, कुछ भी ऐसा है कि जो लिखना चाहते हैं, तो मैसेज बॉक्स सबका ओपन है, तो आप लोग मैसेज बॉक्स में लिख सकते हैं, राइट? तो आप लोगों के क्वेश्चन का आंसर मैं बाद में दूंगा, पर आज इस क्लास को शुरू करने से पहले मैं आपको अपने बारे में बता दूं। मेरा नाम एस्ट्रो हेमंत है और मैं पिछले 13 सालों से लाल किताब पढ़ा भी रहा हूं और लाल किताब से लोगों की प्रिडिक्शन कर भी रहा हूं, राइट? तो प्रिडिक्शन में क्या होता है कि सबसे बड़ी बात क्या है कि आज के टाइम ना आपका कौन सा ग्रह मार्केश है, कौन सा लग्नेश है, कौन सा धनेश है और कौन सा भाग्यश है, कोई जानना चाहता है? यस और नो? प्लीज एक बार अपने कैमरे जो आप लोग ऑन कर सकते हो क्योंकि मैं आपको देख पाऊं। आप सब लोग अपना कैमरा ऑन कर लेंगे ना तो मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा, है ना? बात करेंगे और बताएंगे। तो कोई जानना चाहता है इस बारे में? कोई नहीं जानना चाहता, सब ये जानना चाहते हैं कि भैया मेरे साथ चल क्या रहा है और मेरे साथ होने क्या वाला है और क्या मेरे साथ हुआ था, ठीक है? तो इस चीज को मैं लाल किताब के थ्रू आपको बताऊंगा, पर आप लोगों को उससे पहले ये जानने का भी हक है कि मैं हूं कौन, राइट? तो मैंने जैसे आपको बताया कि 13 साल का मेरा एस्ट्रोलॉजी का एक्सपीरियंस है, पर उससे पहले भी मैं कुछ करता था। मैं आपको अपना बता दूं, मैंने अपना कैरियर सन 2000 में शुरू किया था और मुझे आज भी यह बताते हुए कोई शर्म नहीं आती है कि मैंने अपना कैरियर सिर्फ और सिर्फ जो ऑफिस बॉय होता है जिसमें लोगों से झाड़ू लगवाई जाती है, पानी पिलाया जाता है, तो मेरा कैरियर वहां से स्टार्ट हुआ था। और मुझे ये बात आपको बताते हुए क्यों गर्व हो रहा है कि उस पोजीशन से इस पोजीशन तक, मतलब हेलो, उस पोजीशन से इस पोजीशन तक मैं कैसे पहुंचा, नीचे भी गिरा फिर ऊपर भी आया, एस्ट्रोलॉजी में कैसे आया? तो मैं आपको बता दूं, 2000 में मैंने जब कैरियर शुरू किया तो मैं एयरटेल, आप सब लोगों ने सुना होगा, टेलीकम्युनिकेशन, सभी मोबाइल भी यूज करते हैं उसका, तो एयरटेल में एज ए ऑफिस बॉय ज्वाइन करके उसी एयरटेल में उस जिस ऑफिस में मैं ऑफिस बॉय था वो प्लस उसके साथ दो ऑफिस और जिसका मैं हेड बना मात्र 3 साल में। देन मेरी जिंदगी में इंश्योरेंस सेक्टर आया, मैं सबसे पहले आईसीआईसी के साथ काम किया, आईसीआईसी के बाद मैंने SBI लाइफ के साथ काम किया, देन मैं एज ए ब्रांच मैनेजर IDBI बैंक में आया जो कि 2009 में आया। मैंने 1 साल ही IDBI बैंक के साथ काम किया था 2010 में, बट एक अंदर घमंड आ चुका था। घमंड क्या आया था कि कैसे
भाई यहाँ से यहाँ तक पहुंच गए तो क्यों ना अपना बिजनेस शुरू किया जाए। उस टाइम पे मैंने अपने बिजनेस को शुरू किया। उस बिजनेस में मैं इस तरह से डूबा 2012 तक कि जितना ऊपर था उतना नीचे आया। जब नीचे आया पर ये इंटरेस्ट मेरे साथ था कि मैं 2008 से एस्ट्रोलॉजी को पढ़ रहा था, एस्ट्रोलॉजी को पढ़ रहा था और वो भी स्पेशली लाल किताब। ठीक है जी, तो लाल किताब को जब मैं पढ़ रहा था तो वो चीज उस टाइम पे मेरे काम आई। जब मैं बिल्कुल कगार पे नीचे आ चुका था तब मैंने लोगों की उससे प्रिडिक्शन भी करना शुरू किया, पढ़ना भी शुरू किया, पढ़ाना भी शुरू किया। पर उसके बाद भी मेरी केतु की महादशा थी तो उस पीरियड में मेरे को कोई भी फायदा नहीं मिला। जाकर मुझे 2018 में एस्ट्रोलॉजी में ग्रोथ मिलनी शुरू हुई। आज 2023 है, 2018 से 2023 की ये ग्रोथ में आज बाबा की कृपा से सब कुछ है। और लगभग मैं 1,000 बच्चों को ट्रेंड करके उनको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ज्वाइन करा चुका हूँ और बहुत सारे स्टूडेंट लाखों रुपए कमा रहे हैं। और आज आप लोगों को देखो, जो आप लोग जुड़े हैं आपको मालूम है कि आप आज यहाँ पर लाल किताब सीखने वाले हैं। बहुत सारे मेरे भाई बहन यहाँ पर एस्ट्रोलॉजर भी होंगे, यस और नो, है ना? आप नीचे मैसेज में लिख सकते हैं यस और नो, एक और दो, क्योंकि मुझे लगता रहे कि मैं आपके साथ कम्युनिकेट कर रहा हूं। ठीक है, तो आज से हम जो है 3 दिन का ये क्लास सेशन ज्वाइन कर रहे हैं जिसमें हम आज पढ़ेंगे कि लाल किताब का बेसिक है क्या। नो सर, मतलब ये नो किस लिए आ रहा है, कोई बता सकता है? अच्छा, बहुत सारे लोग नो कह रहे हैं, तो कुछ एस्ट्रोलॉजर भी होंगे जिनका रेज हैंड है, मुझे ऐसा लगता है कि वो एस्ट्रोलॉजर भी है, राइट? तो आज चलो, जो लोग नहीं है बहुत अच्छी बात है, उनके लिए तो और अच्छा ऑप्शन है कि जो एस्ट्रोलॉजर नहीं है और एस्ट्रोलॉजर बनना चाहते हैं और इस माध्यम से अच्छा पैसा कमाना चाहते हैं तो खाली घड़ा जो होता है ना बहुत जल्दी भरता है, यस और नो? ठीक है, खाली घड़ा बहुत जल्दी भर जाता है, भरे भरे हुए घड़े को खाली करके उसमें पानी डालना मुश्किल होता है। तो आज जो मैं आपको सिखाऊंगा क्या कि लाल किताब का बेसिक, बेसिक पहले जानते हैं कि लाल किताब है क्या। कितने लोग जानते हैं कि लाल किताब क्या है? कैमरे जिनके वो ओपन है वो हाथ हैंड कर रेज करके बता सकते हैं, एनीबडी जो जानते हैं लाल किताब क्या है। ओके, आप जानते हैं सर, थैंक यू। तो बिल्कुल आप जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, पर मैं आपको और भी अच्छे से लाल किताब के बारे में बताता हूँ। कहते हैं कि लाल किताब का जन्म सन 1939 में हुआ। इसका जन्म पंडित रूपचंद जी जोशी द्वारा हुआ। कहते हैं पंडित रूपचंद जी जोशी को कुदरत ने आके लिखवाया था। वो वैदिक के बहुत अच्छे महारथ थे पर उन्होंने ही वैदिक में से लाल किताब को निकाला। ठीक है जी, लाल किताब एक सामुद्रिक विद्या भी कही गई है। सामुद्रिक विद्या कैसे? चाहे तो उसमें आपका हाथ हो, हस्तरेखा भी इसमें से देख सकते हैं, चाहे आपके ग्रह हो। कहते हैं राशि छोड़ नक्षत्र भूला, राशि छोड़ नक्षत्र भूला, मेष लगन को लगन मान, सारी कुंडली का हाल बयां करता है ये लाल किताब। ठीक है, और लाल किताब को शुरू करने से पहले आप लोगों को कुछ कंडीशंस बता दूं। जितने भी लोग आज इस लाल किताब के सेशन को ज्वाइन करने आए तो कोशिश कीजिएगा कि जिसके पास रेड कलर का पेन हो रेड कलर से अपने नोट्स लिखें। जो भी ये जानना है सबसे पहले रेड कलर से अपने नोट लिखें, क्योंकि लाल किताब जो है लाल पेन से ही लिखी गई थी। और लाल किताब 4 भाषाओं में लिखी गई, उर्दू, फारसी, इंग्लिश और पंजाबी। इन चारों के वर्ड्स का मिश्रण करके 1939 में पहला एडिशन आया। 1940 में लाल किताब का दूसरा एडिशन आया। 1941 में तीसरा, 1942 में चौथा, और इसका पांचवा और सबसे बड़ा एडिशन जो आया वो 1952 में आया है, राइट? 1952 में इसका खंड 1, खंड 2, जिसके अंदर पूरा लाल किताब जो है
लिखा गया है, कहते हैं बंद मुट्ठी से खुले हाथ तक का हाल बतला देता है ये लाल किताब। बंद मुट्ठी कब होती है कोई बता सकता है? बंद मुट्ठी कब होती है? जब बच्चा पैदा होता है। और खुले हाथ कब होते हैं? जब इंसान चला जाता है। तो बंद मुट्ठी से खुले हाथ का हाल लाल किताब बयां करता है। तो जाइए जानते हैं कि आज चलते हैं इस वीडियो के ऊपर। ये मैंने आपको बताया कि लाल किताब कैसे लिखी गई, कब आई, और इसकी महारत करने के बाद मैं अपने गुरु जी का नाम, मेरे जो गुरु हैं निर्मल जीत जी, मन्नत जी थे, जो अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं और लाल किताब के मास्टर ब्लास्टर थे, मतलब उनकी महारत बहुत अच्छी थी, अब वो नहीं है, तो उन्होंने जितना ज्ञान दिया आप लोगों के सामने आज परोसने आया हूँ, आप लोगों को बताने आया हूँ, और कुछ गलती हो तो क्षमा कीजिएगा, पर आज चलो अब सीखते हैं लाल किताब। तो सबसे पहले तो ना बहुत सारे लोग नए हैं, नए लोगों के लिए बता दूं कि कुंडली होती क्या है। ठीक है, हम लाल किताब में कौन सी कुंडली देखते हैं? सबसे पहले देखते हैं हम लगन कुंडली। ठीक है जी, लगन कुंडली। अब जो लोग कहते हैं कि हम नए हैं, हमें नहीं मालूम कि ये लगन कुंडली होती क्या है। ठीक है, लगन कुंडली होती क्या है? तो सबसे पहले बता दूं, ये एक कुंडली मैं आपके सामने बना रहा हूं, इस तरह से कुंडली बनती है। ठीक ये कुंडली, ये आपको दिख नजर आ रही होगी, यस और नो? कुंडली नजर आ रही है आपको? जी जी, ठीक है। तो ये कुंडली में, ये कुंडली का जो है फर्स्ट हाउस है, राइट? ये कुंडली का सेकंड हाउस है, ये एंटी क्लॉकवाइज चलता है। ये कुंडली का तीसरा घर है, ये कुंडली का फोर्थ हाउस, फिफ्थ हाउस, सिक्स्थ हाउस, सेवंथ हाउस, एट्थ हाउस, नाइन्थ हाउस, टेंथ हाउस, इलेवंथ हाउस और ट्वेल्थ हाउस। ये हाउसेस आप लोगों को समझ में आ गए? अब ये हाउसेस क्यों हैं? सबसे पहले तो आप इसी का मतलब समझे कि ये हाउसेस है तो है क्यों। ये है जमीन। मैं आपको समझाना चाह रहा हूं उस भाषा में जिससे आपको बहुत अच्छी से समझ में आ जाए, मतलब जमीन। अब आप कहेंगे ये जमीन क्या भैया? जमीन होगा तभी तो उसपे मकान बनेगा, तभी तो उसमें अच्छे किराएदार और बुरे किराएदार आएंगे। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए ये जमीन किसकी है, राइट? तो पहले घर का मालिक है, मतलब जमीन का मालिक है मंगल। ठीक है, यहां पर भी साथ साथ देख सकते हैं। दूसरे घर का मालिक है शुक्र। तीसरे घर का मालिक है बुध। चौथे घर का मालिक है चंद्र। पांचवें घर का मालिक है सूर्य। छठे घर का मालिक है बुध। सातवें घर का मालिक है शुक्र। आठवें घर का मालिक है मंगल। नौवें घर का मालिक है गुरु। दसवें का शनि, और ग्यारहवें का भी शनि, और बारहवें घर का मालिक फिर से गुरु। अब आप इस चीज को समझ पाए, मालिक मतलब कि परमात्मा की तरफ से इनको ये जमीन अलॉट हो गई कुंडली में। अब मंगल की राशि क्या है पहले घर की? अब आप देखो राशि सीक्वेंस में आ जाएंगी ऑटोमेटिक, जैसा कि वैदिक में होता है, क्योंकि लाल किताब में क्या होता है, राशि छोड़ नक्षत्र भूला, मेष लगन को लगन मान, सारा हाल ब्याह करवाता है। आपका यहाँ पर कोई भी नंबर हो, आपका यहाँ पर कोई भी नंबर हो, पर यहाँ पर हम मेष को ही लगन मानते हैं। आपका किसी का कोई मिथुन लगन की कुंडली होगी, कोई धनु लगन की कुंडली होगी, कोई कर्क लगन की कुंडली होगी, बट यहाँ पर हम मेष को ही लगन मानते हैं, पहली चीज। ठीक है, तो यहाँ पर राशि हो गई कौन सी? मेष।
वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह। कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन। ठीक है जी, तो ये आपके सामने वो मैंने राशियां प्रेजेंट कर दी, ये कुंडली के मालिक हैं। जब आप लोग सुबह अखबार पढ़ते हैं और अपनी राशि देखते हैं तो क्या देखते हैं? राशि में यही चीज देखते हैं ना, है ना, कि मेरी ये राशि है। अब राशि कौन सी होती है? पहला घर तो आपका लग्न है, और चंद्र जिस नंबर में बैठा हो वो आपकी राशि होती है। चंद्र जिस नंबर में बैठा हो, अब मान लो कि ये मकर लग्न की कुंडली है, मकर मतलब 10 नंबर की कुंडली है, तो ये 11, ये 12, 13, मान लो यहाँ पर एक, सॉरी यहाँ पर एक है, 11, 10 है तो 11, 12, और यहाँ पर एक है, तो ये क्या हो गया? ये कर्क लग्न की कुंडली हो गई। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर चंद्र यहाँ बैठा हुआ है, राइट। तो इसी तरह से हम सारी चीजों को कैलकुलेट करेंगे। तो ये था सबसे पहला टॉपिक लाल किताब का, जिसको हम बोलते हैं मालिक ग्रह, ये हमारे मालिक हैं। अब लाल किताब में जो सबसे अच्छा कंसेप्ट है वो है क्या? मालिक के बाद पक्के घर। पक्के घर का मतलब लाल किताब में क्या है? कहते हैं कि ये घर किसने बनाया, जमीन तो उसकी है। जैसे आपने जमीन ले ली, अब जमीन तो किसी से आपने खरीदी होगी, आपने उससे खरीद ली, खरीदने के बाद उसके ऊपर मकान रहने कौन आया, बनाया किसने? जैसे आजकल बिल्डर है, बिल्डर बना मकान बना देते हैं और उसके बाद सेल करते हैं या किराए पे चढ़ाते हैं। तो हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेंगे किराए पे चढ़ाने वाला, कि यहाँ पर इस जमीन को बनाया किसने, मतलब इसने बनाया किसने, जिसको बोलेंगे हम पक्के घर। ठीक है, अब पक्का घर क्या है? ये कुंडली फिर से हम बना लेंगे। आप लोग नोट्स करना चाहें तो साथ के साथ कर सकते हैं। वही हम पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, दसवां, 11वां और 12वां। ठीक है, ये 12 के 12 घर हो गए, ये 12 के घर हो गए 12। आप लोगों को क्लियर नजर आ रहा है? ठीक है, अब पहले घर का जो जिसपे मकान बनाया, मंगल की जमीन पे मकान बनाया सूर्य ने, दूसरे घर में बनाया जुपिटर ने, तीसरे घर में बनाया मंगल ने, तीसरे घर में बनाया, चौथे घर में बनाया चंद्र ने, पांचवें घर में बनाया फिर से गुरु ने, छठे घर में बनाया केतु ने, सातवें घर में बनाया वीनस ने और मरकरी ने, मतलब कि शुक्र ने और बुध ने। जी लाइट बंद करें। ठीक है, आप क्लियर है? आप स्क्रीन क्लियर आ रही है आप लोगों को? ठीक है, तो वीनस और मरकरी मतलब कि शुक्र और बुध ने सातवें घर में मकान बनाया, आठवें घर में बनाया मंगल बद ने और शनि ने। अब आप पूछेंगे ये मंगल लेख और मंगल बद क्या है, तो आपको बता दूं लाल किताब में क्या क्या नहीं माना जाता है। तो लाल किताब में हम शनि की 7.5 नहीं मानते हैं, हम शमाग्लिक दोष नहीं मानते हैं। ठीक है जी, हम काल सर्प दोष नहीं मानते हैं। जो भी लाल किताब वाले होंगे इन दोषों को नहीं मानेंगे, जो एक्चुअल वाले लाल किताब सिखाने वाले होंगे। तो हम, मैंने आपको बताया, तो हम क्या मानते हैं? मंगल बद और मंगल ने। मंगल बद कैसे होता है, मंगल ने कैसे होता है, वो आपको आगे सिखाऊंगा, पर अभी मैं आपको बता रहा हूं पक्के घर, क्योंकि ये चार चीजें आपको
लाल किताब का कहता है बेस पकड़ना हो तो आपको ये पता होना चाहिए ये लगन कुंडली है, लगन कुंडली में कोई भी नंबर बैठा हो हमने मेष ही मानना है। दूसरी चीज हमने ये देखना है कि ये पक्के घर है या ये उच्च ग्रह है या नीच ग्रह है, ठीक है। तो अभी जैसे मैं पक्के घर बता रहा हूं, तो जुपिटर ने फिर नौवां घर ले लिया, दसवां घर लिया शनि ने, और ग्यारहवां घर लिया फिर गुरु ने मतलब जुपिटर ने, और बारहवां घर लिया राहु ने, ठीक है। अब यहां पर क्या हो गया कि आप ये देखो, दूसरा पांचवा नौवां और ग्यारहवां, दो पांच नौ ग्यारह, गुरु ने चार घरों में अपनी जगह बनाई, मतलब गुरु ने यहाँ पर चार घर ले लिए, ठीक है। अब केतु छठे घर, मतलब केतु का छठा घर है, राइट। तो इस तरह से ये हमारे हो गए पक्के घर, ठीक है। अब इसी में कहते हैं कि चलो ये तो हो गया कि इन्होंने मकान बना दिया, अब यहां पर अच्छे किराएदार कौन से हैं और बुरे किराएदार कौन से हैं। तो सबसे अच्छे किराएदार का मतलब है उच्च ग्रह, राइट। अब हम बात करेंगे उच्च ग्रह। यहाँ पर दो आपको स्क्रीन नजर आ रही होंगी, ठीक है। तो पहले घर का उच्च ग्रह भी सूर्य ही है, जमीन मंगल की, मकान भी सूर्य ने बनाया और अच्छा किराएदार भी यहाँ सूर्य ही है, ठीक है। दूसरा घर जो है जमीन शुक्र की, और यहाँ पे अच्छा जो है किराएदार है चंद्र है, और यहाँ पर बनाया किसने था, गुरु ने, समझ रहे, गुरु ने यहाँ बनाया था। तीसरा घर कहते हैं जमीन बुध की है, जमीन यहाँ पर बुध की है, ठीक है। और इस पे ये पक्का कौन है, अच्छा किराएदार कौन है, राहु है, क्योंकि यहाँ पर राहु बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। किसी की कुंडली में राहु थर्ड हाउस में हो तो यहाँ पर राहु आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाला है। और यहाँ पर जो है चंद्र जो है जिसने की मकान बनाया था, अच्छा किराएदार राहु हो गया, राइट। इसी तरह से चौथे घर में चंद्र की जमीन है, चंद्र ही यहाँ पर पक्के घर में है, पर यहाँ पर किराएदार अच्छा कौन सा है, जुपिटर मतलब कि गुरु। पांचवा घर यहाँ पर ना तो कोई अच्छा किराएदार है ना ही कोई, वो तो आपको बता ही दिया था कि कौन यहाँ पर किसने जमीन की किसकी जमीन है, किसने मकान बनाया, पर यहाँ पर अच्छा किराएदार कोई नहीं है। छठे घर पर अच्छा किराएदार बुध और राहु है, ठीक है। छठे घर का अच्छा किराएदार बुध और राहु है। सातवां शनि अच्छा किराएदार है, आठवें में कोई भी अच्छा किराएदार नहीं है, नौवें में केतु, केतु अच्छा किराएदार है, ठीक है। दसवें में मंगल अच्छा किराएदार है, ग्यारहवें में कोई भी अच्छा नहीं है, बारहवें में केतु और शुक्र, ये दो किराएदार अच्छे किराएदार है, ठीक है जी। तो ये हमारे उच्च के ग्रह का ये इसको हमारा टॉपिक है, ये उच्च ग्रह, ठीक है जी। ये उच्च का ग्रह हो गया, यहाँ पर ये अच्छे ही रिजल्ट देंगे। अब इसके बाद आ जाता है बुरे किराएदार, मतलब जिसको बोलेंगे हम नीच के ग्रह,
ठीक है। अब बात करेंगे नीच ग्रहों की, कि लाल किताब में किसको हम नीच का ग्रह बोलते हैं, मतलब कि अपने से सातवां नीच ग्रह कहलाएगा। अपने से सातवां कैसे, जैसे हमने उच्च ग्रह में लिया था वैसे ही उच्च का नीच ग्रह हो जाएगा। जैसे पहले घर में सूर्य उच्च का था, उसके सातवें घर में कौन था, शनि नीच का था। अब यहाँ मतलब शनि उच्च का था, तो अब यहाँ पर शनि नीच का हो जाएगा पहले घर में, और सूर्य सातवें घर में नीच का हो जाएगा। ठीक है, अपने से उल्टा सातवां, अपने से सातवां उल्टा हो जाएगा। अब दूसरे घर में यहाँ पर कोई भी नीच का नहीं है, तीसरे घर में केतु नीच का है, और राहु नौवें घर में, उसके अपोजिट बिल्कुल सामने अपने से सातवां देख लो, अपने से सातवें पे आकर नीच का हो जाएगा। ठीक है जी, इसी तरह से चौथे घर में मंगल नीच का है, और यहाँ पर दसवें घर में जुपिटर नीच का है, मतलब कि गुरु नीच का है। यहाँ पर गुरु उच्च का था, सामने नीच का हो गया। पांचवें घर में कोई भी नीच का नहीं है, छठे घर में केतु और शुक्र नीच के हैं, तो बारहवें में बुध और राहु नीच हो जाते हैं। राहु जबकि यहाँ पे पक्के घर का भी है, पर फिर भी राहु यहाँ पर नीच का होता है। ठीक है जी, इसी तरह से चंद्रमा इस आठवें घर में नीच का होता है। ठीक है, तो चंद्रमा आठवें घर में नीच का होता है, पर एक चीज यहां आपको बता दूं, कहते हैं जब चंद्र आठवें घर में हो और केंद्र में चौथे मतलब केंद्र के बाहर कहीं भी अकेला बैठा हो, केंद्र के बाहर चंद्र अकेला कहीं पे भी बैठा हो और केंद्र में इसके दोस्त बैठे हो, तो चंद्रमा भी यहाँ पर आठवें घर में भी नीच का नहीं होता। तो ये थे हमारे नीच ग्रह। अब ये आपको चारों बताने का रीजन क्या है मेरा, ये चारों जो मैंने आपको टॉपिक बताया, उच्च ग्रह, नीच ग्रह, मालिक घर और पक्के घर, मालिक ग्रह, उच्च ग्रह, पक्के घर और नीच ग्रह, ये आपको बताने का मेरा लॉजिक क्या है, टॉपिक क्या है, क्यों बताया। कहते लाल किताब में कभी भी इनके सीधे उपाय नहीं होते, लाल किताब में इनके कभी भी सीधे नहीं उपाय होते, इनके हमेशा दोस्तों की मदद ली जाती है, इनके मित्र ग्रहों की मदद ली जाएगी। तो इस टॉपिक में मैंने आपको ये चार चीजें इसलिए बताई, कहते लाल किताब को सीखने से पहले आपको ये चार कॉलम आपके माइंड में सेट होने चाहिए, क्या, मालिक ग्रह, पक्के ग्रह, उच्च ग्रह और नीच ग्रह। जब आपको ये चारों चीजें पता होंगी, इसके बाद ही हम लाल किताब में आगे बढ़ जाएंगे। लाल किताब के अगर कॉन्सेप्ट की बात करूं, तो लाल किताब में ना सबसे अच्छा कॉन्सेप्ट है कि आप शरीर देखकर भी, अपना पूरा शरीर देखकर भी हम ये बता सकते हैं, हम चेहरा देखकर ये बता सकते हैं कि आपका कौन सा ग्रह खराब है, समझ रहे हैं? तो असली सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा ग्रहों के लिंग, ये भी आपको पता होना चाहिए, ग्रहों के लिंग है क्या। ग्रहों के लिंग लाल किताब में हम क्या मानते हैं कि जो कुछ मेल मेल प्लेनेट है, कुछ फीमेल प्लेनेट है, कुछ नपुंसक है, कुछ पाप है और कुछ पापी है। नौ ग्रह टोटल होते हैं, एक्चुअल में ग्रह सात ही होते हैं, दो छाया ग्रह हैं। ठीक है, पर आज के टाइम वही छाया ग्रह ही जिंदगी में अच्छा और बुरा रिजल्ट दे रहे हैं। क्यों, राहु और केतु दोनों छाया ग्रह हैं, यस और नो? हमारे शरीर से ऊपर का हिस्सा राहु है और नीचे का केतु है, राइट? कहते जब राहु खराब है ना, कहते हैं राहु जिसको मारे उसको कौन तारे, और राहु जिसको तारे उसको कौन मारे, राइट? तो इसलिए ये छाया ग्रह भी बहुत बड़े मददगार हो चुके हैं, है ना, राइट? तो
ये है ग्रहों के लिंग। अब आपको स्क्रीन भी अच्छे से समझ में आ रही होगी। देखो मेल प्लेनेट लाल किताब में क्या है, सूर्य मंगल और जुपिटर। सूर्य मंगल और जुपिटर जो है मेल ग्रह है, राइट। फीमेल कौन कौन से हैं, चंद्र और शुक्र। लाल किताब में चंद्र और शुक्र को फीमेल ग्रह कहा गया है, राइट। और ट्रांजिट मतलब नपुंसक ग्रह, बिन पैंदे का लोटा, वो है बुध, ठीक है। बुध को यहाँ पर बिन पैंदे का लोटा कहा गया है, राइट। और शनि के साथ राहु या शनि के साथ केतु हो, शनि के साथ राहु हो या शनि के साथ केतु हो तो उसे पापी ग्रह कहते हैं। राहु और केतु अपने अपने आप में क्या है, पाप ग्रह है, समझ रहे हैं? अपने अपने आप में ये पाप ग्रह हैं, इनको पाप ग्रह कहा गया लाल किताब में। आज जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं ना, जैसे हम शतरंज का खेल खेलते हैं, ठीक है, जैसे हम शतरंज का खेल खेलते हैं तो क्या होता है, हमें जब तक उसके थंब रूल नहीं मालूम है, हमें जब तक उसके थंब रूल नहीं मालूम है, क्या हम उसको चेस को प्ले कर पाएंगे, यस और नो? प्लीज आंसर ऑन मैसेज बॉक्स, कि मैं आप लोगों को जान सकूं कि आप भी मुझे सुन पा रहे हैं, राइट। तो ये मैंने आपको जो है ना थंब रूल सिखाना शुरू किया है। बेसिक इज अ टोटल थंब रूल, राइट। और एक एक चीज काम करती है। अभी जो चीज मैं आपको बताता जाऊंगा ना, सीरियसली बता रहा हूं, जब मैंने उसके ऊपर आपका प्रैक्टिकल कराना शुरू कर दिया ना, आप लोगों का उस पे इतना बिलीव हो जाएगा कि यस आप कैसे बता पाते हैं, आप इस चीज को बता कैसे पाते हैं, तो ये सब कुछ पता लगता है। बट आप लोग अगर इस 3 दिन के वेबिनार में आए हैं तो आप लोगों को मैं ये कहना चाहूंगा कि इसको सीखें और बहुत अच्छे से सीखें, और इस चीज का फायदा आपको पूरे बेसिक कोर्स में होने वाला है, राइट। तो ये पापी ग्रह कहलाते हैं। अब अच्छा बहुत सारे लोग यहाँ बैठे हैं, अब मैं आपको बताने वाला हूं ग्रहों के। हाँ वही, बहुत सारी चीजें, पहले आपको मैं बता रहा हूं ग्रहों की परिभाषा शरीर के रूप में, कि आपके शरीर में कौन सा ग्रह कैसे काम करता है, ठीक है। आपको जब पता हो कि आपका शरीर में ये चीज ऐसे है, मतलब कि कौन सी चीज कहां से खराब हो रही है, तो सबसे पहले सूर्य, ठीक है। सूर्य जो है हमारा क्या है, अपना आपा। लाल किताब में सूर्य को सबसे बड़ा बोला गया है, सूर्य अपना आपा है, कहते हैं हमारा शरीर। कहते हैं सूर्य खराब होगा तो आपको नमक तेज खाना पसंद होगा, अपने साथ अपने पे भी अप्लाई करके देख सकते हैं और अपने आसपास के 7 लोगों पे भी अप्लाई करके देख सकते हैं। कहते हैं जो सूर्य खराब होता है तो इंसान को नमक तेज खाना पसंद होता है, मतलब सब्जी में जितना मर्जी नमक हो उसको एक्स्ट्रा फिर भी चाहिए, ठीक है। तो आप कभी भी अजमा के देखना, पहली चीज। दूसरी चीज, जब सूर्य खराब होता है ना तो आप देखना इंसान को बार बार थूकने की आदत, या थूकने की आदत नहीं होगी ना तो इंसान क्या करेगा, उसके मुंह से सोते हुए थूक निकलता होगा। जब इंसान का सूर्य खराब होता है तो ऐसे जातक के थूक निकलता है बात करते हुए। और सबसे बढ़िया बात जो हर जगह पर आजकल चलती है, ठीक है, बात बात पर गाली देना, बिना गाली के कोई बात ना कर पाना, ये सूर्य खराब की खराबी है। और कहते हैं सूर्य जब खराब हो तो ऐसे इंसान को कभी भी मौजूदा सरकार को गाली नहीं देनी चाहिए। कहते हैं बहुत सारे लोग हैं कि कभी, अभी तो नहीं है, अब तो बहुत कम हो गया है, पर एक ऐसा टाइम था लोग ना बस बस की टिकट बचाना चाहते थे, ट्रेन की टिकट बचाना चाहते थे, अपना टैक्स बचाना चाहते थे, ठीक है। तो ये जितना ही हम टैक्स चोरी करते हैं, बिजली की चोरी करते हैं, या
टिकट नहीं ले पाते हैं या टिकट नहीं लेते हैं, जान करके अपने बच्चों को छोटा बताते हैं कि 3 साल का नहीं हुआ जी, अभी तो ये 2 साल का है या 4 साल का नहीं हुआ, तो ये सब सूर्य खराब की निशानी है। तो आप लोग जो भी नए हैं और जो लोग एस्ट्रोलॉजी जानते हैं, जी बिल्कुल बिल्कुल, आप टेंशन ना लें, ठीक है, तो आप ये सब जो चीज जानते हैं ये करने से सूर्य खराब होता है। और सूर्य, आपको मैं बता दूं, जब सूर्य खराब होता है तो आप ये देखना इंसान लथार्जिक होता है, ठीक है, पता नहीं लोग कैसे नहीं महीना महीना नहाते, मुझे तो 29वें दिन खुजली हो जाती है, क्या समझे, सूर्य खराब की निशानी है, कहते हैं पता नहीं कैसे लोग महीना महीना नहीं नहाते, मुझे तो 29वें दिन खुजली हो जाती है, राइट, कोई समझा तो हंस के बता देना, राइट। तो आप लोगों को बता रहा हूँ, जब सूर्य खराब होता है तो इंसान लथार्जिक हो जाता है, और मैक्सिमम जो सूर्य खराब होता है लोगों का सर्दियों में ज्यादा होता है, और जब लोग 5 5 6 6 दिन नहाते नहीं है, अरे ठंड ज्यादा है रहने दो, है ना। तो आप लोगों को रिक्वेस्ट है कि अपना सूर्य खराब ना करें। अच्छा, कितने लोग जो हैं ये जानते हैं कि सूर्य को जल देने से क्या होता है, कोई बता सकता है, एनीबडी मैसेज में टाइप कर सकते हैं, रिप्लाई कीजिएगा आकाश जी, कोई मैसेज में रिप्लाई करें, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। जब आप सूर्य देव को जल देते हैं, जब आप सूर्य देव को जल देते हैं, राइट, तो क्या होता है, जब आप सूर्य देव को जल देते हैं हमेशा इस तरह से देते हैं, यस और नो, जब सूर्य देव को जल दिया जा रहा है तो धार कहां से जा रही है, आपके सामने से, राइट, और जब सामने से धार जा रही है ना, तो सामने से जो एनर्जी आ रही है वो 7 कलर के वेव्स में से आ रही है, राइट, 7 कलर के वेव्स में से आ रही है, राइट, तो वो वेव्स आपके चेहरे से होके आपके बॉडी में ऊर्जा में आते हैं, तो आपका सिर्फ उससे सूर्य ठीक नहीं होता, उससे आपके 7 ग्रह ठीक होते हैं, दैट इज ए प्रैक्टिकल। ये एक ऐसी साइंस है जिसको कोई समझ ही नहीं रहा है, मतलब बहुत सारे लोग, मतलब बहुत सारी मूवीज भी आई है, सब कुछ आया जी, गाय को गुड़ देने से क्या भगवान आपकी नौकरी लगवा देंगे, अरे उसके पीछे लॉजिक है, आपको जब इस पूरे कोर्स के अंदर पता चलेगा कि कौन सा ग्रह क्या है, तो आपको लगेगा कि यस ये चीज इसका एक लॉजिकली है, इसका लॉजिकली इफेक्ट आ रहा है, गाय जो है वो शुक्र की है और गुड़ जो है वो सूर्य का है, ठीक है, हाँ जी, ठीक है, तो गाय जो है शुक्र है और गुड़ जो है वो सूर्य है। अब किसी की कुंडली में सूर्य और शुक्र की युति है, किसी की कुंडली में सूर्य और शुक्र की युति है, तो देखिएगा ऐसे इंसान की मैरिड लाइफ में हमेशा प्रॉब्लम बनी रहती है, चिड़चिड़ा स्वभाव बना रहता है, नोक झोंक बनी रहती है, तो ऐसे इंसान के लिए गाय को गुड़ खिलाना मुबारक होगा। क्यों गाय को गुड़ खिलाना मुबारक होगा, क्योंकि गाय जो है शुक्र है, हम उसको गुड़ खिला रहे हैं, तो हमने सूर्य को गाय गुड़ के शुक्र के हवाले कर दिया कि भैया तू खा ले, तू शांत हो जा, शांति रख, हमारी मैरिड लाइफ में दिक्कत ना आए, समझ रहे हैं, तो ये गाय को गुड़ खिलाने से होता है। तो ये हमारा पूरा जो शरीर है वो सूर्य का है, पर सूर्य का तो है पर चलता किसके दम पे है, जमीन किसकी है, जमीन है मंगल की। अब आप ये देखिएगा, आपकी बॉडी में 70% ब्लड है, अगर ब्लड के रोग हो जाए तो ये सूर्य क्या करेगा, यस और नो, आई एम राइट और रॉन्ग, ये जितनी जमीन है आप जितनी जमीन देखते हैं वो शुक्र की है, पर वो डिवीजन में हो जाता है, जहां पे वो मकान बन गया तो मकान शनि का, जमीन मंगल की, ठीक है, आप पार्क बन गया तो पार्क किसका है, क्योंकि लग्जरी हो गई उसमें, जमीन मंगल की थी पर वहां पर लग्जरी मतलब शुक्र, खेती वाली जमीन शुक्र, वीराना, शमशान, ये कुंडली का 8वां घर, मंगल बद की जमीन, समझ रहे हो, ये मंगल बद की जमीन,
इस तरह से हमें जमीन का भी पता लगता है। इसी तरह से बॉडी हमारी सूर्य की है तो इसके अंदर ब्लड मंगल का भी है, राइट। तो ये चीजें भी हमें देखना बहुत जरूरी है। अब बात करेंगे मून मतलब चंद्र। अब चंद्र क्या है? हमारा मन, दिल की बीमारियां। जितनी भी दिल की बीमारियां होंगी वो चंद्र के बदौलत होती है। क्यों? अब आपको एक चीज और समझाना चाहूंगा यहीं पे। कहते जो दिल है वो तो चंद्र का है, पर इसके अंदर धड़कन सूर्य की है, ठीक है। इसके अंदर धड़कन सूर्य की है, इसलिए सूर्य और चंद्र जहां भी होते हैं वहां इकट्ठे होते हैं। अगर हमारी धड़कन बंद हो जाए तो सूर्य खत्म, हमारी धड़कन बंद होगी तो सूर्य खत्म हो जाएगा, राइट। तो जो दिल है वो चंद्रमा है। कहते कि दिल से जुड़ी प्रॉब्लम जितनी है मतलब समझ लो चंद्र खराब है। मन बेचैन रहता है समझ लो चंद्र खराब है। हमारा मोरल डाउन रहता है समझ लो चंद्र खराब है। मान लो हमारा जो है नगद धन की कमी रहती है समझ लो हमारा चंद्र खराब है, ठीक है। तो ये सारी चीजें चंद्र खराब की निशानी है। तो इससे पता लग रहा है कि कहीं ना कहीं चंद्र वीक हो रहा है। रात को नींद ना आना ये भी चंद्र खराब की निशानी है। कहता है रात को देरी तक जागना ये भी चंद्र खराब की निशानी है। तो इसलिए जो लोग देरी तक जागते हैं वो अपना चंद्र खराब करते हैं, ठीक है। अब तीसरी चीज बात करेंगे वीनस। वीनस मतलब शुक्र। शुक्र क्या है? कहते हैं हमारे जितनी भी स्किन है, स्किन की बीमारियां, फोड़े फुंसी होना, पिंपल पड़ना, गाल के अंदर चमक ना आना, ठीक है, ये सब शुक्र खराब की निशानी है, समझ रहे हैं। और जब शुक्र खराब होता है तो आप ये समझ लीजिएगा कि आपका कहीं ना कहीं मैरिड लाइफ और लग्जरी से भी कोसों कोसों दूरी जाती है। अच्छा, हमारे बहुत सारे भाई हैं, खुद यहाँ पे भी हैं और हम खुद अपने आप को भी मानेंगे और लोगों को भी ठीक करने जा रहे हैं। तो एक चीज देखिएगा, जो लोग पूरी जिंदगी गरीब रहते हैं, सारी मेहनत करते हैं, सब कुछ करते हैं, पर फिर भी पूरी जिंदगी गरीब है, समझ लो कि कहीं ना कहीं उनका 10वां घर सोया हुआ है, समझ लो। तो उनका 10वां घर सोया हुआ है, तो 10वें घर को जगाने के लिए एक छोटा सा आपको टिप दे के जा रहा हूं। जिसकी भी कुंडली में 10वां घर सोया हो उस इंसान को दो मुट्ठी सौंफ लेकर सरकारी जमीन की शेडो जहां पड़ती हो वहां पर दबाएं। उसको दबाने से होगा क्या? आपका 10वां घर जागृत होगा और जहां जहां आपकी कुंडली के अनुसार मतलब आपको दिक्कत आ रही है तो 10वां घर जागृत होगा, तो कर्म स्थान खुलेगा और इंसान कुछ इम्प्रूव होना शुरू होगा। मैं नहीं कहूंगा एकदम अमीर हो जाएगा, बट 100% वह इंसान इम्प्रूव होना शुरू हो जाएगा, राइट। तो ये 10वां घर को जगाने का एक छोटी सी टिप है। ये मैं थोड़ा सा टॉपिक से भटक गया था पर मेरे को याद आया। तो ऐसे ऐसे स्पेशल टिप आपको मेरी हर क्लास में मिलते रहेंगे, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ही होंगे, आप लिख लीजिएगा, इसको अजमा लीजिएगा। तो ये 10वें घर को जगाने के लिए सबसे अच्छा उपाय है। और स्किन से जुड़ी हुई बीमारियां जैसे फोड़े फुंसी, ये शुक्र खराब की निशानी है, ठीक है। मैं आपको ये टॉपिक सिखा रहा हूं कि कैसे हम सामने वाले की बॉडी को देखें और ये जान पाए कि सामने वाले का कौन सा ग्रह खराब है, समझ रहे हैं? आप सिर्फ चेहरा और बॉडी देखकर भी ये बता पाओगे कि कौन सा ग्रह खराब है या नहीं है, राइट। अब मार्स, हमारा पेट, लीवर, ब्लड की बीमारियां मतलब खून की बीमारियां, लीवर की बीमारी, पेट की बीमारी जिसके पास रहती है समझ लो उसका मंगल खराब है, ठीक है। मरकरी, मरकरी मतलब बुध। कहते हैं बुध जब खराब हो तो क्या होता है? बुद्धि खराब। जिसका बुध खराब है समझ लो बेटा उसका सब कुछ खराब है, पूरी कुंडली अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, पर बुध खराब है तो समझ लो सब कुछ खराब है। बुध खराब की निशानी, जबान का तुतलाहना, जो तुतलाहट है ये जबान की तुतलाहट,
बुध की है। कहते रिश्तेदारी में बहन बुआ मासी साली बेटी, ये हमारे बुध के को रिप्रेजेंट करते हैं। कहते जिनके घर में इनकी खराबी हो, इनकी ना बनती हो, समझ लो बुध खराब है। ठीक है, और बुध को ठीक करने का सबसे अच्छा उपाय क्या है? कहते बुध को अच्छा ठीक करने के लिए नाक छेदन सबसे बेस्ट उपाय है, और उसमें चांदी डाल के रखना मुबारक होगा। समझ रहे हैं? तो ये बुध है, ठीक है जी। अब आ गए जुपिटर। जुपिटर क्या है? जुपिटर जो है हमारा सांस लेने की प्रक्रिया, ब्रीदिंग प्रॉब्लम। नाक का अगला हिस्सा जो गोलाई है ना, ये गोलाई ये बुध की है, पर सांस लेने की प्रक्रिया जुपिटर की है। अब जुपिटर को ठीक करने का सबसे अच्छा उपाय पता क्या है? जुपिटर के अच्छा ठीक करने का तरीका जुपिटर ही है। कैसे? अब आपको बताता हूं कि जुपिटर जो है, जो सुबह ये जो हवा है ना, हवा हमारे वातावरण में जितनी हवा है ये जुपिटर की है, पर जो सुबह सुबह की हवा है वो शुद्ध हवा है, वो शुद्ध हवा है। कहते जब शुद्ध हवा है तो वो जुपिटर की है। क्या समझे? इसलिए सुबह जो छेद वाला जो होता है वो जुपिटर का है, पर दिन में इसमें प्रदूषण मिल जाता है। प्रदूषण क्या है? राहु। तो जो सारा दिन का जुपिटर और राहु, कहते हैं गुरु चंडाल योग भी बनाता है वैदिक के अनुसार, और कहते हैं जब गुरु और चंडाल योग बनता है तो ऐसे जातक को जो है ब्रीदिंग प्रॉब्लम आ जाती है। समझ रहे हैं मैसेज? ठीक है जी। तो ये जुपिटर है, नजर, सेटन हमारी नजर, और हमारे शरीर के हर हिस्से के बाल, हमारे नजर और हमारे शरीर के हर हिस्से के बाल जो है शनि के। नजर तो हमारी शनि की है ही है, पर हमारे हर हिस्से के बाल भी शनि के हैं। अब जिसके बाल बिखरे रहते हैं, जो हमारी माताएं बहते बहने बात को बांध के नहीं रखती, सवार के नहीं रखती, ठीक है, या कोई हमारे भाई दाढ़ी को बना के नहीं रखते, ठीक है, वो बना के रखें या सजा के रखें, बना के रखें या सजा के रखें, ये शनि को ठीक करने का सबसे अच्छा तरीका है। अब एक चीज बता देता हूं, आप समझ जाएंगे। लाल किताब में शुक्र और शनि को लैला मजनू कहा गया है। शुक्र और शनि को लैला मजनू कहा गया है, और शुक्र और शनि मिलकर केतु का फल अच्छा करते हैं, और केतु जो है हमारे, अभी बताऊंगा, हाँ केतु के ऊपर भी आ रहा हूं। केतु क्या है वो राहु के बाद बताता हूँ आपको, और इस टॉपिक को याद रखिएगा, शुक्र और शनि लैला मजनू होते हैं, ठीक है, जिसकी भी कुंडली में। चलो एक एक और स्पेशल पॉइंट है, बाद में बताता हूँ वो, फिर मैं भटक गया अपने टॉपिक से। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, शुक्र और शनि लैला मजनू, जिस भी कुंडली में शुक्र शनि की युति होती है और साथ में बुध भी होता है, तो ऐसे इंसान की लव लाइफ, मैरिड लाइफ बहुत अच्छी चलती है, और ऐसे हस्बैंड वाइफ अपनी उम्र के 80 साल तक भी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की तरह रहते हैं। और आज के घरों में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ही मैरिड लाइफ की है, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ही बेबी कंसीविंग की है, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ही यही है कि बिजनेस चल रहा है और एकदम गिर रहा है, लोग हमारे बाहर जाने को तैयार फिर रहे हैं, इंडिया में उनको कोई स्कोप नहीं निकल नजर आ रहा, जबकि इंडिया में सबसे ज्यादा स्कोप है, भटक रहे हैं। तो
जो आप लोगों को ये पढ़ाने का रीजन है वो भी मैं आपको बताऊंगा, पर इस टॉपिक के बाद, क्योंकि इस टॉपिक के बाद थोड़ी सी डिस्कस करेंगे, देन आज की क्लास को इतना ही रखेंगे, बाकी पढ़ेंगे हम कल, राइट। तो राहु जो है गर्दन से ऊपर का हिस्सा, हमारे सिर का जो ये वाला हिस्सा है ये राहु का है। अब आप ये देखिएगा, आपका राहु खराब होगा तो आप ये देखना ये वाला हिस्सा बंद हो जाता है, कुछ समझ में नहीं आ रहा होता, इंसान सुन बैठ जाता है, उसको यही नहीं पता कि क्या वो सही कर रहा है क्या वो गलत कर रहा है, राइट और रॉन्ग। मैं सही बोल रहा हूँ? अगर मैं कहीं गलत बोल रहा हूँ तो आप मैसेज में टाइप कर सकते हैं कि सर यू आर रॉन्ग, है ना, आप बोल सकते हैं मुझे, क्योंकि हम यहाँ एक दूसरे के साथ सीखने आए हैं, ठीक है। अब एक स्पेशल चीज और ले लो यहाँ से, आपसे मुझसे, कि राहु को ठीक करने का सबसे अच्छा उपाय क्या है। और बुध का तो मैंने आपको बताया जैसे नाक छेदन, राहु को इमीडिएट ठीक करना हो तो क्या हो, आप सबको कोल्ड ड्रिंक या शिकंजी बहुत पसंद है, यस और नो, हर कोई पीता है। जिस टाइम आपका राहु खराब हो उस टाइम पर आपने करना क्या है, आपने जो कोल्ड ड्रिंक आपको पसंद हो उसकी 2 लीटर की बोतल लेना, अपने घर के टॉयलेट को क्लीन करना, क्लीन करने के बाद उसमें वो बोतल उलट देना, पूरी खाली कर देना, बोतल को घर से बाहर फेंक देना, और 2 घंटे तक उस टॉयलेट को यूज मत करना। अगले 4 घंटों में अपने माइंड की स्थिति को बता देना, जो सोचने की क्षमता बंद हो गई थी वो खुल जाएगी रिटर्न। और मैं आपको इस चीज को जो है ना लिख कर दे सकता हूँ, 4 घंटे में आप मेरे को ये बताएंगे कि राहु का असर काफी अच्छा हुआ, राइट। अब बात करते हैं केतु की। केतु क्या है, मैं आज भी बोल रहा था एक चीज, केतु जो है नेकी का मालिक, ठीक है। कहते पैरों के गर्दन के जो नीचे का हिस्सा है, मतलब हमारे सिर से नीचे का हिस्सा है, ये केतु का है, राइट। हमारे टांगों में दर्द रहना, हमारे शरीर का प्राइवेट पार्ट, हमारे शरीर का प्राइवेट पार्ट, हमारी कमर की रीढ़ की हड्डी, हमारे घर में रखे प्याज ब्याज, हमारी औलाद, आप ये देखना जिसकी कुंडली में केतु अच्छा नहीं होता, जो पीसीओडी वाली प्रॉब्लम है वो केतु की है, हमारी माताएं बहनें जिस चीज से परेशान है वो केतु से है, हमारी टांगों कमर का दर्द केतु का है, राइट। और केतु खराब करने का सबसे मुख्य रीजन क्या है, जो हमारे भाई बहन दोस्त भाई बहन फ्रेंड सब जो है ना अपने दुखड़े रोते रहते हैं, हर टाइम दुखी, मेरे साथ तो ये हो गया, मेरे साथ तो कभी अच्छा हुआ ही नहीं, मेरे साथ तो कभी अच्छा होगा ही नहीं, मेरी तो किस्मत ही खराब है, समझ लो कि उसका केतु खराब है, औलाद से दुखी है, केतु खराब है, आपके घर में रखे हुए प्याज स्मेल जल्दी करने लग जाए तो समझ लो केतु खराब है, ठीक है। तो ये केतु खराब की निशानियां है। तो आज की क्लास में तो हम इतना ही करेंगे, बट कल की क्लास में बहुत कुछ करने वाले हैं, जुड़े रहिएगा। ये 3 दिन की क्लास है और इस 3 दिन के अंदर लाल किताब का मैं आपको इतना ज्ञान देके जाऊंगा, स्पेशल पॉइंट देके जाऊंगा कि आपको खुद को लगेगा कि वाकई में ही आपने जो बोला वैसा किया, जी ठीक है जी। तो जी हाँ मैं सबसे शेयर करना चाहूँगा, ये जो लाल किताब की जो क्लास है, 21 डेज का जो वर्कशॉप बेसिक टू एडवांस लाल किताब, जो हमें एस्ट्रो हेमंत जी स्वयं इसका ज्ञान प्रदान करेंगे और हमें इसकी पूरी जानकारी देंगे, पूरा नॉलेज हमें क्लास में सिखाया जाएगा, पूरा जैसे कि सर महारत हासिल कर चुके हैं, हमें इतना काबिल कर देंगे कि हम भी किसी की समस्या का समाधान लाल किताब की क्लास सीख के कर पाएंगे। ये जो क्लास है 19th of September से स्टार्ट, जो कि हम ऐसे कहें कि गणपति जी जिस दिन आगमन हो रहा है, गणेश चतुर्थी के दिन आ रही है, जिसका बेस्ट टाइम होगा 8:15 बजे, जो मंडे टू फ्राइडे क्लास होगी, जिसमें आपको रिकॉर्डिंग, ई सर्टिफिकेट और स्टडी मटेरियल सब दिया जाएगा। इसका जो एनर्जी एक्सचेंज होगा वो होगा 6666। लाल किताब की क्लास जैसे कि मैंने बोला हेमंत जी करवाएंगे, 19th of September गणेश चतुर्थी से स्टार्ट होने जा रही है, बेस्ट टाइम उसका होगा
8:16 मंडे टू फ्राइडे क्लास होगी, जिसमें रिकॉर्डिंग, ई सर्टिफिकेट, स्टडी मटेरियल आपको दिया जाएगा। इसका एनर्जी एक्सचेंज होगा 6666। मैं आपको कहूंगा कि जी बेसिक टू एडवांस लाल किताब की क्लास है। मैं चाहूंगा, जैसे कि सर ने आपको एक दिन में बहुत कुछ दिया है, सर आपको क्लास के अंदर बहुत कुछ देंगे, जैसे कि सर बीच बीच में रेमिडीज देते जा रहे हैं, प्रिंसिपल ऑफ साइंस आपको सिखाए जाएंगे, 9 प्लैनेट्स के बारे में आपको एस्ट्रोलॉजी से कनेक्ट करके आपको पूरी क्लास सिखाई जाएगी। ट्वेंटी 1 डेज का ये जो वर्कशॉप है, बेसिक टू एडवांस लाल किताब, इसके अंदर आपको अगर इनरोल होने के लिए 6666 पे करना है, जो कि आपके स्क्रीन शेयर हो रही है। एक सेकंड, जो आपको स्क्रीन पे नंबर दिया गया है, आपको उस नंबर पे करना है, और उसका स्क्रीनशॉट जो है 8209677979 पे आपको शेयर करना है। मैं फिर से बोलता हूँ, ये जो क्लास स्टार्ट होने जा रही है, इसकी पेमेंट आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जो आपको स्क्रीन पे अभी दिखाया जा रहा है, इस नंबर पे जो नीचे पेटीएम, गूगल पे, फोन पे, सब पे अवेलेबल है, वो नंबर आपको स्क्रीन पे शेयर हो रहा है, इस नंबर पे आपको पे करना है, और उसका स्क्रीनशॉट 8209677979 पे आपको शेयर करना है। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, 8209677979 पे आपको स्क्रीन शेयर करना है, स्क्रीनशॉट को आपको शेयर करना है। जी हेमंत जी, जी बिल्कुल, मैं यहीं पे हूँ जी जी। तो हेमंत तो आज हमने लाल किताब से कुछ चीजें सीखी हैं, कल हम कुछ और चीजें सीखेंगे, कुछ चीजें हम परसों सीखेंगे। सर जी मैं बिल्कुल चाहूंगा कुछ लोगों के हम क्वेश्चन आंसर ले लें। बिल्कुल जी बिल्कुल, आप सबको एक बार अनम्यूट कर दीजिए जी, जी। जिसको भी क्वेश्चन करना हो अपना हैंड रेस करेगा, सर आपके क्वेश्चन लेंगे। एक मिनट दीजिएगा। जी जी तो कैसा लगा आप लोगों को मेरा सेशन, आपको मेरा पढ़ाने का तरीका, आप लोग बता सकते हैं। जो भी अपनी बताना चाहते हैं, सर ने जो समझाया किसको कैसा लगा, आप चैट बॉक्स में भी शेयर कर सकते हैं। अपना हैंड रेस करेंगे, मैं आपको अनम्यूट करूंगा, आप सर से बात कर पाओगे। सर जी सर, नमस्कार जी, जी सुरेंद्र मैम कैसे हैं आप? सर नमस्कार जी। नमस्ते। नमस्कार, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ जी, अब आ रही है। सर बहुत अच्छा पढ़ाया आपने। जी मैंने किसी और से भी सिर्फ एक दो बार छोटा कोर्स किया था जी इसका, लाल किताब का, पर जो आज आपने 4 रूल पहले बताए हैं कोई नहीं बताता सर। थैंक यू वेरी मच। आप सब लोगों को मैं इतना कमिटमेंट कर सकता हूँ कि जो मैं नोट्स और जो मैं आपको पढ़ाऊंगा आपके सामने अगले, मतलब सिर्फ ये 21 दिन में बेसिक होगा, ठीक है? इस बेसिक से ही आप बहुत कुछ निकाल जाओगे। और जब ठीक ग्रामर है। और और दूसरे सर, ये जैसे बुध के लिए आपने कहा है कि नाक में वो डालनी है नथ गटवा के, तो लड़कों के लिए क्या उपाय है अगर अब आपको मैं फोकस बड़े लड़के हों? करना मेरे कैमरे। हाँ जी समझ गई, नीचे की आपने हाँ बताया, जैसे बुल के डालते हैं। हाँ जी हाँ ये देखो, ये अंदर करा जी करना दिखाई भी नहीं देता, अंदर के अंदर रहता है, सर, पर मतलब बच्चे मानते नहीं है ना, बड़े बच्चे तो नहीं मानते ना। देखो अब क्या है, सबसे अच्छा तो उपाय यही है, पर फिर भी लोग नहीं मानते हैं, तो फिटकरी से दांत साफ करना मुबारक होगा। ठीक है सर। सर एक और चीज बता दीजिए, दूसरा और तीसरा कौन सा नीच ग्रह है? सूर्य तो फर्स्ट का है ना, नीचे ग्रह 7वें घर में, 7वें, सॉरी हाँ जी शनि का था, दूसरा कौन नीचे है? अच्छा वो तो आपको नोट्स मिलेंगे, अभी मैंने बताया भी है सर आपको। बने मिलेंगे, ठीक है सर।
जी, थैंक यू। जब आप कोर्स लेते हैं तो आपको सब कुछ मिलता है। थैंक यू सर, आपका बहुत अच्छा पढ़ाने का तरीका है। थोड़ी सी जल्दी, मतलब आप जल्दी कवर करना चाहते हैं, इसलिए थोड़ा कई बार कुछ छूट जाता नहीं, है। ये क्या है, ये एक डेमो क्लास चल रही है, ठीक है। जी तीन जी दिन में आपको बहुत कुछ, मतलब जैसे मैंने आपको बीच बीच में ये भी बताया कि कौन सी चीज कैसे क्या होती है ना। जी जिंदगी को हम जी नहीं रहे हैं, काट रहे हैं, ठीक है। जी जी जीने का नाम है, काटने का नहीं है। नहीं तो जी इंसान आया है, इंसान आएगा और चला जाएगा, किसी जी को क्या फर्क पड़ेगा। जी और मेरा जो अभी मैं आप लोगों से बात कर रहा था कि मैं आपको लास्ट में बताता हूँ, तो मेरा एक ना, आप सभी लोग सुन लीजिएगा इस बात को, कि मेरा जो विजन है कि मैं 5,000 लोगों का, 5,000 एस्ट्रोलॉजर की एक कम्युनिटी बनाना चाहता हूँ, जिसमें मैं चाहता हूँ मेरे साथ 5,000 ऐसे लोग हो जो पूरे वर्ल्ड वाइड, इंडिया वाइड हो और लोगों की सेवा करें। हम किसी को कहकर कह दें कि जी मेरी बताने की फीस ये है, बट किसी को गुमराह ना करें उपायों के नाम पर, पूजा पाठ के नाम पर जो ये काटा जाता है ना, इससे क्या है कि लोगों का एस्ट्रोलॉजी से विश्वास उठता है। जी तो हम एक ऐसे एस्ट्रोलॉजर बनना चाहते हैं, ऐसी एक कम्युनिटी बनना चाहते हैं जिसको हम बहुत आगे तक, बड़े लेवल तक लेके जाए। जी ये जरूर मेरा, मिलेगा। ठीक है जी। नमस्ते सलोनी जी। नमस्ते सर, कैसे हो आप? सर, बहुत बढ़िया सलोनी जी, आप बताइए। आपकी क्लास मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी, बट मुझे ना ये कोर्स करना है, बट मेरा थोड़ा सा डाउट है। सर, आपने ये लग्न कुंडली बताई ना, ये मुझका इसका ए से लेके जेड भी नहीं पता, तो आप स्टार्टिंग से ये बताएंगे ना, एक एक ग्रह का एट्रीब्यूट्स। बिल्कुल, ये जब आपका कोर्स शुरू होगा, ये जो इसमें हाँ अपन कवर करेंगे, इसमें मैं दोबारा से बताऊंगा ये सारी चीजें। हाँ क्योंकि मुझे कुछ भी नॉलेज नहीं है ये कुंडली वगैरह का, और कौन से का ग्रह का हाउस कौन से नंबर का होता है और क्या होता है। देखो क्या है, मैं आपको बता देता हूँ। कुंडली में फर्स्ट नंबर का फर्स्ट हाउस, उसको एंटी क्लॉकवाइज आप 12 नंबर तक ले जाए, ओके सर, ठीक है। जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फाइव। अब इसमें क्या है, ये हाउसेस बन गए, ये हाउसेस मतलब ये सबसे पहले जमीन बन गई। अब ये जी जमीन जी है किसकी, मैं आपको इसलिए आसान लैंग्वेज में सिखाना चाह रहा हूँ कि अगर मैं आपको वही मार्केश, लग्नेश, दग्नेश ये समझाने लग जाऊं ना, तो आप कहोगे यार सिर में दर्द हो गया, यार क्या पकड़ हाँ लिया। सर, थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो मैं आपको ना बड़ा ही, मतलब हंसी हंसी मजाक मजाक में सारी एस्ट्रोलॉजी सिखा दूंगा, और आप कहेंगे कि वाकई में ही हेमंत जी आपने तो मजा ही ला दिया। और ये चीज नहीं, जी आपको इतना बता रहा हूँ, जिसने बेसिक, एडवांस और ग्रामर सब कुछ कर लिया ना, अगले 6 या 7 महीने में आपके सामने बैठे इंसान को आप ये बता दोगे कि ये चीज है क्या, तू है क्या। इवन लाल किताब एक ऐसी चीज है जिसमें ये भी पता लग जाता है कि आपने अंडरवेयर फटा हुआ डाला है कि सिला हुआ डाला है, कलर क्या डाला है, सर, इतनी बारीकी तक जाता है। आप क्या सोच रहे हैं, आपके मन में क्या चल रहा है, इस टाइम क्या है, जब मैं आपको इसके साथ लग्न कुंडली, महीना कुंडली, दिन कुंडली सब बताऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट कौन है जी सिद्धार्थ जी, सिद्धार्थ था। एडमिट कीजिए सर। नमस्ते हेलो, सिद्धार्थ नमस्ते 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 सर। जी। सिद्धार्थ कैसे हैं आप, ठीक है सर। सर एक क्वेश्चन था सर। बताइए। सर आपने बोला जिस जिनका फिनेंस खराब होता है, सुक्रोज जिनका खराब होता है, उसका स्किन प्रॉब्लम होता है सर। स्किन प्रॉब्लम होता है, ठीक है। और शुक्र जो रिलेट करता है जमीनी, जमीन मतलब हमारा जो घर का रहन सहन का तरीका होता है, हाँ वो भी अच्छा शुक्र से ही होता है, ठीक है। हम सर। कैसे रहे, सर एक्चुअली वैदिक में मेरा शुक्र बहुत अच्छा पोजीशन में है सर, और लाल किताब, जो लाल लाल किताब का जो फॉर्मूला है उसमें थोड़ा थोड़ा मतलब चलो उल्टा हो गया सर। सिद्धार्थ आपका कौन से हाउस में है, तो वैदिक में सर 9 हाउस में 2 नंबर राशि में है वैदिक। तुम्हें गोलगप्पा खाना बहुत पसंद है या दही खाना बहुत पसंद है। दही तो सर उतना पसंद नहीं है सर। गोलगप्पे, चटपटी चीजें, हाँ, वो पसंद है सर, फास्ट फूड भी पसंद है सर। और तुम्हें क्रेविंग भी होती है ये चीजें खाने की। हाँ इच्छा रहता है सर, फास्ट फूड का इच्छा रहता है सर। तो ये लाल किताब है बेटा,
आप ग्रह बताओ, मैं आपको बता दूंगा आपको क्या पसंद है क्या पसंद नहीं है। और कई चीजें हैं हाँ मैं ग्रुप में नहीं बोल सकता, आप सर। पर्सनल में कभी भी कंसल्टेंसी ले सकते हैं। अच्छा, आप समझो अच्छा बोलने पे आया तो फिर क्या है, लाल किताब वाले जो होते हैं ना मुंहफट भी होते हैं बेटा, तो कभी अच्छा कभी अच्छा एक कंसल्टेंसी मत कराना राइट। अच्छा 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 मगर सर आपने जो बोला लग्जरी लग्जरी खारा पोटा है, मगर देखो सर मेरा तो लग्जरी तो सर मोटा मोटी बहुत अच्छा ही है सर। देखो अब शुक्र किस कंडीशन में बैठा है, क्योंकि शुक्र नो मंगल बद, अच्छा लग्जरी अच्छा होगा तो उसने मंगल को बद कर दिया ना, आपके अंदर गुस्सा पैदा कर दिया, अच्छा अच्छा आपके में बेवजह के क्लेश रहने लगे। अब ये देखो मंगल बद की सबसे खास खासियत क्या है, मंगल बद की अच्छा खास खासियत ये है कि आपके घर में बेवजह के क्लेश होना, दो हस्बैंड वाइफ बड़े अच्छे प्यार से बैठे हैं और कब फट जाएंगे पता नहीं लगेगा। हस्बैंड वाइफ मूवी देखने गए, देखने को तो गए थे बड़े अच्छे मूड से, जब आए थे तो दोनों के मुंह अलग अलग थे, तो ये मंगल बद की निशानी है। और मंगल बद वाले के घर में तीन से कोई ना कोई रिलेशन होता है, तीन गली मकान, तीन नंबर मकान, तीन भाई बहन, तीन मम्मी पापा में से भाई बहन, कोई ना कोई ऐसी निशानी जरूर होती है। और हथियार रखने का शौकीन, अच्छा मैं यह नहीं बोलूंगा पर अच्छा अच्छा आपको खुद समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अच्छा ठीक है, ओके सर, ठीक है सर, थैंक। वेलकम सिद्धार्थ संध्या जी। जी संध्या जी अनम्यूट कीजिए। हेलो सर। नमस्ते संध्या जी, कैसे हैं आप? सर मैं अपर्णा संध्या सॉरी जी, अपर्णा अपर्णा। जी, अपर्णा गुड इवनिंग बिल्कुल। सर। गुड इवनिंग मैम, कैसे हैं सर आप? आपने बहुत अच्छा बताया, थैंक यू। एक क्लास में बहुत सी इन्फॉर्मेशन मिल गई। लाल किताब मैंने थोड़ा बहुत पहले भी पढ़ा हुआ है, मैं बस किताब भी पढ़ती हूँ क्योंकि वैदिक से इतनी क्लैरिटी नहीं आती रेमेडीज की। एक प्रेडिक्शन एक लेवल का हो जाता है, बट जहाँ रेमेडीज की बात आती है तो फिर लाल किताब की याद आती है। तो अभी यहाँ आप पे इस कोर्स में क्या क्या कराएंगे सर, बेसिक ग्रामर के साथ साथ? मैं जो अभी फिलहाल है ये बेसिक का है। यस सर। बेसिक में कैसे इसके थंब रूल चलते हैं, सबसे ओके पहले हमें ये आना चाहिए कि हम चेस खेल रहे हैं तो वो चेस हमारे लिए कैसे काम करेगी, कैसे हम जीतेंगे। जैसे चेस में हमें अपने राजा को बचाना होता है ना, जी उसी सर। तरह से लाल किताब जो है एक ऐसा काम करती है कि आप कैसे अपने जो है सारे माहौल में से जो है राजा को अपने मतलब उस इंसान को निकाल के लाए। कहते ओके ना यस असंभव को भी संभव कर दे जो हाँ वही जो आपकी मुश्किल हल कर दे। यस। तो सर इसमें मकान कुंडली भी बताएंगे आप, मकान कुंडली की भी मकान बात? कुंडली भी बताऊंगा, और बेटा एक चीज और भी बताऊंगा कि जिसके पास कुंडली नहीं है तो हाथ से कुंडली कैसे बनाए। किसी अच्छा ने हाँ 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 त्रिका भी है थोड़ा, मतलब मैंने थोड़ा थोड़ा सा पढ़ा हुआ है लेकिन अभी भी पूरी क्लैरिटी नहीं है। मैं वही चीज बता रहा हूँ जी कि सर। हाथ से रेखा कैसे बनाएं, हाथ से कुंडली कैसे बताएं हमें। अब आपको एक तरीका बताता हूँ, इस हाथ को बड़े जी ध्यान से देखिएगा, दिख रहा जी है जी सर ये वाला हिस्सा, दिख रहा है आपको ये वाला, जी सर ये जी कॉर्नर जो है ना ये हाँ राहु, जी ठीक ओके हाँ है। अब जिस इंसान का राहु खराब हो, जी ओके इस कॉर्नर के अंदर अपने हाथ में मेहंदी लगा के रखे। हाँ पेन दिखाओ, मैं आपको बताता हूँ, पेन देना, ठीक है। इस जी कॉर्नर में इंसान मेहंदी लगा के रखे, राहु कंट्रोल रहेगा, क्योंकि राहु को सिर्फ मंगल और जुपिटर कंट्रोल कर सकते हैं, और जो राहु का निशान होता है हाथ में जी ओके चकोर टाइप का बना के उसके अंदर पूरे जालीदार बना दो, तो नहीं जी रहेगा, ओके ठीक है। तो ये वाला मैं थोड़ा सा कोशिश कर रहा हूँ, ये देखो जो ये मैंने मार्क किया ना, यस सर ये राहु का हिस्सा है, ठीक ओके ठीक है। ये राहु है है, ये चंद्र है, ये हाँ सर शुक्र है, ये जी मंगल है, हाँ ये बुध है, ये ओके आपका जुपिटर है। पर जी जो सर दिख रहा है आपको ये कि ये तो सबको ही पता है, बट हाँ जुपिटर है कहाँ पर, कौन से नंबर में है, ये चीजें मैं अच्छा आपको हस्त रेखा से बताऊं। मकान ओके कुंडली पूरी बताऊंगा, और जब मकान कुंडली बताऊंगा तो
उस चीज पे आपको मैं ये भी बताऊंगा कि आपका कौन सी चीज कहाँ पड़ी है और वो सही है या नहीं है। हाँ सर, यही लाल किताब की खासियत। ओके सर, आपके आर्टिकल्स पढ़ती हूँ मैं फेसबुक में, मैं देखती हूँ, मुझे अच्छा लगता है, नोट भी करके रखती हूँ, इसलिए मैंने आपका नाम सुनते यहाँ पे एनरोल किया, और मैं जानना चाहती थी कि इस पूरे कोर्स में ये सब कवर होगा ना, मकान कुंडली हस्ते का सर। होगा जी सर, थैंक यू सो मच। बेसिक में होगा, बिल्कुल होगा। ठीक है, और जी कौन है? अर्प संध्या जी। जी संध्या जी, अनम्यूट कीजिए। नमस्कार सर। नमस्ते संध्या जी, कौन बोल रहे हैं? सॉरी। हाँ संध्या जी संध्या जी, कैसे हैं आप? सर, मेरा एक क्वेश्चन था। आप नोट्स थोड़ा इंग्लिश में भी दोगे सर? देखो ये इंग्लिश, हाँ थोड़ा, बिकॉज ठीक है। थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा हिंदी में तो। अब आपने इंग्लिश में मांग लिया तो मुझे प्रॉब्लम हो जाएगा, मैं डर जाऊंगा। नहीं सर प्लीज। जी क्योंकि इंग्लिश से मैं कोसों दूर भागता हूँ। सर, थोड़ा क्लैरिटी ज्यादा रहेगी ना तो इसके लिए। कोशिश मैं करूंगा। मैं ठीक है, टीम को बोलूंगा कि किसी तरह से आपको सपोर्ट कर पाए, आप टीम से बात कर लीजिएगा। ठीक है सर। एंड आपने एक रेमेडी बोला था सर, दो मुट्ठी सौंफ गवर्नमेंट लैंड के शैडो पे वो। देखो गवर्नमेंट जेड लैंड का जो शेडो होता है, मतलब जहां पे उस शेडो आ रही है वहां दबा दो, बट याद रखना उसमें स्कूल नहीं होना ओके, चाहिए अच्छा और हॉस्पिटल नहीं होना चाहिए, वो रेलवे स्टेशन हो सकता है, वो ओके, और चीज की सरकारी बिल्डिंग हो सकती है, बट स्कूल एंड हाँ हॉस्पिटल और नोट। नो, ओके ओके सर। एनी आइडिया के अगर फॉर सम रीजन आई एम ट्रैवलिंग, तो आपका आगे कोई कोर्स आने वाला है सर प्लीज? टीम आपको बता दे। ठीक है सर, आई विल ट्राई माय बेस्ट टू ज्वाइन नाउ ओनली, बट ओके, संध्या थैंक यू जी, सर। संध्या जी मैं आपसे एक यस बात शेयर करना चाहूंगा। हेमंत जी इतना अच्छा पढ़ाते हैं, आप उनकी हाँ वीडियो रिकॉर्डिंग से भी अच्छे से सरल भाषा में सिखाते हैं, आप उनको अच्छे से समझ पाओगे, उस वीडियो से भी आप कंटिन्यू कर पाओगे क्लास। तो मैं चाहूंगा कि ये आप बहुत जरूर सर, जुड़े। बहुत टेम्पटिंग है, इट्स वेरी टेम्पटिंग। तो हाँ जिस हिसाब से पढ़ा रहे थे, तो आई थिंक आई विल टेक अ डाइव सर। थैंक यू सो मच। खाली नोट्स थोड़ा प्लीज सर, सर और जी, आज की थोड़ी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी सर, इफ यू डोंट माइंड, रिकॉर्डिंग जी, बिकॉज बता आई जॉइंड इन लेट। ये यूट्यूब पे होगी, शायद यूट्यूब पे राइट आएगी। सर, प्लीज सर, इफ यू कैन सेंड द लिंक, बिल्कुल। ग्रेटफुल सर, और थैंक यू। दूसरा मैं आप लोगों को एक चीज और बता दूं, इस कोर्स में ये नोट्स तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, पर जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये रिकॉर्डिंग आपके पास आएगी, हर क्लास की आएगी। इसके अलावा जो ऑलरेडी मेरी वीडियोस बनी हुई हैं राइट सर, हर ओके, हर टॉपिक के ऊपर, वो भी आपको मिलेंगे। थैंक यू सो मच सर, ग्रेटिट्यूड, थैंक यू। जी नेक्स्ट कौन है? हर्षा जी। जी हर्षा जी, हर्षा जी अनम्यूट कीजिए। नमस्ते हर्षा जी। नमस्ते। जी मैंने अभी, मेरा व्हाट्सएप ही बंद हो गया था, तो मैंने कुछ नहीं, अभी अभी लास्ट साल शुरू हुआ है, तो जी मुझे रिकॉर्डिंग मिलेगी सब? वो और अभी जी हाँ, जी मेरी बर्थडे है 2/5/55, तो जरा मुझे बता, तबीयत नहीं अच्छी रहती है मेरी। एक नंबर बोलिए आप, 1 से 108 के बीच में से। 108 में से नंबर 1 to 108। 1/2/108। एनी नंबर। कौन? हाँ, 98, 98, 98। आपके हाँ, घुटनों में ज्यादा दर्द है, आपके घुटने, दोनों बंदे ने समझ है। हाँ, आर्थराइटिस मुझे है, सॉरी, आर्थराइटिस मतलब वो रीढ़, अथराइटिस में क्या होता है मुझे बताएंगे थोड़ा सा? हड्डियों, सर, हड्डियों की समस्या। थोड़ा मेरा अच्छा है, लेकिन मेरा तबियत, वीकनेस बहुत लगती है, थकान लगती है थोड़ा सा आपका अभी का। आपका भी देखो, जो आपने नंबर बोला है वो शनि हाँ का है, और शनि ने आप केतु खराब किया हुआ है, और शनि कहीं अच्छा आपका कल्प्रेट है जिसकी वजह से आपको ये प्रॉब्लम आ रही है। अच्छा ठीक है, तो इसके लिए आप क्या कर सकती हैं,
एक तो आप कुत्ते की सेवा करना शुरू करें, कुत्ते कुत्ता। की सेवा करनी शुरू करें, और हाँ आप ना सबसे पहले काला सफेद कंबल मंदिर में दान दें, काला। ब्लैक एंड व्हाइट कंबल आप हाँ मंदिर, समझा नहीं, फिर से बोलिए आपको समझ में आया प्लीज जी। बता दीजिए। हर्षा जी, सर कह रहे हाँ हैं कि आप ब्लैक एंड व्हाइट कलर का कंबल अपने मंदिर में दान करें, ठीक डाल दिया। अच्छा है? दान करना, डोनेट करना है। अच्छा मंदिर डाल। अच्छा, ओके ठीक है जी। फिर नेक्स्ट दूसरा, बस यही दो उपाय करो, बाकी तो आपकी कुंडली प्रिडिक्ट करके ही पता लग पाएगा मैम, ऐसे तो कैसे बताऊं। ये NLN जी तो सर मैं चाहूंगा कि कल फिर मिलेंगे। जी, जी एक पंकज चुग जी को ले लो एक बार, जी पंकज चुग जी को। और हेलो जी पंकज चुग जी, कुछ कहना? हाँ हेलो पंकज जी। जी सर, नमस्ते सर। जी जी हेलो सर। जी हाल सर चाल। थैंक यू सर फॉर योर ब्लेसिंग। सर आपने बहुत अच्छा बताया सर। बढ़िया सर, बढ़िया सर, बढ़िया। चंगा सर, बहुत टाइम से ना परेशान चल रहा हूँ। शादी का रिश्ता भी होता है ना तो वो टूट जाता है, मगर किसी ने ऐसे ही मुझे बताया कि आपका ना शुक्र खराब हो सकता है, केतु खराब हो सकता है, तो मैंने वीडियोस देखनी शुरू करी। तो आपकी वीडियोस देखी, फिर धीरे धीरे आज का आपका पता लगा। तो सर मेरा फर्स्ट हाउस में शनि केतु है, और प्लस आज आपने जैसे बद मंगल बताया, तो सर वो 8th हाउस में मेरा वीनस है सर। और मंगल कहाँ है आपका? मंगल कहाँ है? थोड़ा और डाउट आपकी हुआ वॉइस, हुआ सर। आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। जी सर, पंकज जी का नेटवर्क मंगल टेंथ इशू है। हाउस में सर, सन के साथ आगे सर, आगे सर। मंगल टेंथ हाउस में सर, सन के साथ फिफ्थ हाउस में कोई ग्रह बैठा है क्या? सर। 5th हाउस में कोई ग्रह नहीं है सर। फर्स्ट में शनि केतु, वक्री और राहु, 7th में, 8th में वीनस, और 10th में समझ में आ गया, सन। समझ में आ गया आपकी शादी क्यों खराब है। एक बात बताओ, आपकी थाइज के ऊपर कोई ब्लैक स्पॉट या काला तिल है? सर एक बार एक एक्सीडेंट हुआ था तो गड्ढा सा हो गया था स्किन का, जैसे स्किन खराब हो जाती है बिल्कुल जॉइंट पे, घुटनों वाले, थाई की तरफ आपका दिल भी टूटा है कहीं पे? सर। दिल ये लगा लो। हाँ ये रिश्ता टूट जाता है ना तो दिल टूट जाता है बड़ी जल्दी, हम इमोशनल हो जाते। मैं जोन सा दिल पूछ रहा हूँ वो बात करो। वो सर बहुत पहले, बहुत अर्ली एज में। हाँ टूटा है ना? जी एक तो 7 सूखे नारियल चलते पानी में जल प्रवाह करो, और एक उपाय हाँ और जी करो, बांसुरी में चीनी भरकर या बांसुरी में शक्कर भरकर किसी वीरान जगह पर दबाओ। इसलिए सर। आप मैं काम काम धंधा भी छोड़ के पिताजी की दुकान पे जाता था, वो भी जॉब करी, वो भी छोड़ के बैठ जाता हूँ हर 2 साल में, जब भी ऐसा रिलेशन टूटता ना। आप मेरी जी ना टीम से बात कर लेना, मेरी कंसल्टेंसी बुक कर लेना, ठीक है? आपको प्रॉपर बताऊंगा दिक्कत कहाँ है। वैसे आपकी दिक्कत जो है शनि की है, शनि और राहु की है, मंगल बद नहीं है आपका, ठीक है? और सर जो मंगल बद में के हाउस में जो आपने बताया वहां वीनस बैठा है सर, जैसे 8th हाउस में, तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है सर। नहीं, उससे कोई दिक्कत नहीं आपके जो है ना। देखो आप एक चीज नोट देखना कि आपके अंडरगारमेंट बहुत जल्दी फट जाते होंगे, गुम हो जाते होंगे या खराब हो जाते सर पहले नहीं फटते थे सर, अब फटने लगे हैं, पिछले 1-1.5 साल से मैं नोटिस कर रहा हूँ। होंगे। आप ये देखो आपके फटते ही फटते हैं, ठीक है? आप ये शुक्र खराब की निशानी है, इसके लिए 8 किलो गाजर मंदिर में दान दें। और आप दूसरा उपाय क्या करें, आप जो है 40 दिन स्पेशल तक सर काली बनियान फट रही है गाय सर, को जवारी स्पेशल करें, बनियान फट रही है सर। ठीक है? सर अंडर गारमेंट में सिर्फ बनियान फट रही है कुछ सर, भी फटा, फट किसी ना किसी। रहा है ना, फट रहा है। सर एक बार जो ये नबानी थैंक यू सर। है नाम इनका, जी नबानी है, नवीनीता शास्त्री। जी नमस्ते। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते नमस्कार। सर। आपका आपका ये जो क्लास देखा ना, बहुत, मैं वीडियो नहीं ऑन कर सकती हूँ, बाहर में हूँ। कोई बात नहीं, आपका क्लास बहुत अच्छा लगा,
तो मतलब मैं वैसे ही एस्ट्रोलॉजी करती हूँ, लेकिन इसमें बहुत इंटरेस्ट आया है आपका क्लास सुन के। तो थैंक यू। सर एक बार राहु और केतु का रिपीट कर दीजिएगा वो रेमेडी। देखो राहु का तो मैंने बताया था कि कोल्ड ड्रिंक जो भी पसंद हो। हाँ वो आप बताए, केतु का बोले ओके थे okay, जो। देखो काला सफेद कंबल मंदिर में दान दें, अपना कान छिदवाएं। अच्छा एक स्पेशल पॉइंट इसी बात पे और याद आ गया, जो लेडीज अपने कान में स्टोन डालकर रखती हैं, ठीक है, स्टोन डालकर रखती हैं या कुछ और डाल के रखती हैं, उनका केतु अपने आप खराब हो जाता है। तो लड़की लोग तो कान में वालिया पहनती है सर, हरिया पहनो, प्लेन गोल्ड की पहनो या प्लेन प्लेन गोल्ड का गोल्ड, मतलब उसमें पत्थर नहीं होना चाहिए। कुछ भी नहीं होना चाहिए, प्लेन गोल्ड कान हमेशा प्लेन गोल्ड, ठीक है जी। बाकी आपको डायमंड कहीं भी पहनना है पहनो, वहां पहनोगे दिक्कत रहेगी। और सर मेरा पेट में बहुत प्रॉब्लम चल रहा है, उसके लिए आप बोले मंगल को थोड़ा मतलब ठीक करना चाहिए, उसके लिए क्या रेमेडी होगा सर? आपका ये समझो, आपको देखो जो पेट से भी नीचे की बीमारियां ज्यादा रहती हैं हाँ वो केतु खराब की निशानी है। मतलब गायनिकोलॉजिकल और अपर एब्डोमेन दोनों का ही है, इसके लिए आपकी पूरी कुंडली देखनी पड़ेगी तो आपको। के मतलब पेट का ऊपर का हिस्सा का मतलब खाने में भी प्रॉब्लम होता है, तो देखो तो केतु खराब हो रहा है ना, मंगल से केतु खराब हो रहा है। आपको मीठा खाने का शौकीन हो क्या आप? हाँ हाँ बहुत मीठा खाते हैं, तो इसका रेमेडी क्या करें सर? मीठा खाना छोड़ दो, कहीं पे नीम का पेड़ लगवाओ, ठीक अच्छा नीम का पेड़ लगाना, ये है रेमेडी है पर जी। आपका कंसल्टेंसी ले लेना आपको, ठीक है। आपका आपका आपके साथ कंसल्टेंसी ले लेती हूँ जी एक बार, ठीक है? जी और क्लास में ज्वाइन करने का तो मन है। देखो वो आपको टीम से बात कर लेना, जिस जिसको भी मन हो। आपके यहाँ पे स्क्रीन पे भी सर ने दिया है सारा कुछ एक आप जो बार। इतना ऐसे ऐसे प्रेडिक्शन आप बोले हैं, इतने थाइज में मतलब दाग है, कपड़े फट जाते हैं शुक्र के वजह से, मतलब एक्यूरेट इतना अच्छा लग रहा है बहुत। आप सब लोग भी बोल सकते हैं, हाँ सीखूंगी तो बोल सकती हूँ मैं, तो मतलब मैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी करती हूँ लेकिन इसमें भी इंटरेस्ट आ रहा है। आपको मैं वही बता रहा हूँ, आप हंसी हंसी मजाक मजाक में एक ऐसी एस्ट्रोलॉजी सीख जाएंगे जो आपने कभी देखी भी नहीं होगी, कि ये तो जो मैं जिसको बोल रही हूँ सामने वाले को, ठीक है, सामने वाले को सब कुछ वैसा लग रहा है। थैंक यू सर सो मच, वेरी इंटरेस्टिंग क्लास, वेलकम बहुत जी, ठीक अच्छा लगा, समझ है जी। तो आज ही सकूंगा। नहीं है, बाकी कल से भी, कल फिर से क्लास है 8:15 बजे। बाकी आपको मैं टीम को हैंडल करता हूँ, टीम प्लीज आप बात कर लीजिए। जी जी तो सबको जय श्री श्याम, कल मिलते हैं 8:15 बजे और सीखेंगे लाल किताब के बारे में और जानकारी, तब तक के लिए सबको जय श्री श्याम। हेलो।